हेलो दोस्तों, एक्सट्रीम फन मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें दो दोस्त स्कूल का काम करते करते आपस में बातचीत करते हैं और देखिए उनकी बातचीत कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। देखिए मेरे इस नए वीडियो में। अरे दिवाली आने वाली है, तेरे को पता है क्या? हाँ यार, अभी कुछ ही तो दिन रह गए। पटाखे ले लिए क्या? इस बार तो खूब हंगामा करेंगे। हाँ अरे यार, मैडम ने बताया नहीं था पटाखे चलने के बाद कितना प्रदूषण होता है? अरे वो मैम तो हर साल बताती है, उनके दिमाग में तो प्लस और माइनस ही चलता रहता है। पटाखे हम जलाते हैं, एंजॉय भी हम करते हैं, पर उसके बाद जो प्रदूषण होता है वो तो सबके लिए हानिकारक होता है। सुबह से टीवी में बकवास ही है कि देख रहा हूँ मूवी की जगह, अब तू भी मेरे को पकाएगा। हम दिवाली कैसे बनाएंगे रे बिना पटाखों के? ये हमारा बकवास कर रहा है तू। पटाखों से थोड़ा दिवाली बनाई जाती है। कपड़े खरीदो, मिठाइयाँ खरीदो, लड़ी लगाओ, घर सजाओ और क्या। बताए क्या, बाहर की मिठाइयों में भी तो मिलावट होती है। तेरे को बाहर से मिठाई खाने के लिए पहले बता ये कह कौन रहा है? घर पे बना खुद का मस्ता नहीं है बात को, फिर रोता है रात को तक। तू ज्यादा ना बोल, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, एक फटका मारूंगा ना सटक जाएगा यहाँ से। सच कह रहा हूँ, मैं कर दूंगा तेरा। हाँ बोल रे, तेरी दिल्ली वाली मौसी कैसी है? ऐसे तो थोड़ी रिकवर हो गई है, उन्हें तो अस्थमा की प्रॉब्लम हुई थी ना। हाँ तो अस्थमा किससे होता है? यार मेरे को तो पता नहीं, तू ही बता दे मेरे को। पॉल्यूशन। अरे अच्छा, और एक पटाखा तो दे सकते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए दिल्ली और चंडीगढ़ में क्रैकर्स बैन कर दिए हैं, क्योंकि पिछले साल तूने भी न्यूज में देखा होगा कि कितनी सारी पॉल्यूशन हो गई थी पटाखे जलाने के बाद। तो इस बार पॉल्यूशन रोकने के लिए और कम करने के लिए उन्होंने बैन कर दिया है क्रैकर्स को। तेरे को इतनी सी बात समझ नहीं आती, मैंने कितनी बार तेरे को भी मना कर रहा हूँ मत फोड़ मत फोड़, फिर भी तो कह रहा है। भाई क्या है, गवर्नमेंट ने पटाखे बैन करके। तो इस वीडियो को जितना से जितना हो सके हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही में हमारे चैनल की तरफ से आप सबको एक और फ्रेंडली दिवाली।